नमस्कार, आप देख रहे हैं बी आर के टी। अरवल जिला के जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं व्यास मुनि दास जी, जो कि अरवल में आए हैं, उनसे हम सामाजिक और राजनीतिक की चर्चा करेंगे। जो अभी बिहार की जो स्थिति है, एक आईएएस के जो हत्या है उस पर जो नियम बदल कर उनको रिहा करने का मामला है, और जो एसी छात्र को और पिछड़े छात्र को जो छात्रवृत्ति न दे कर करके अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उनको दिया जा रहा है पैसा, क्या वो कर्ज है कि छात्रवृत्ति, ये सारे मुद्दा पर बात करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद सर। बताएंगे जो बिहार की जो भी राजनीतिक स्थिति है, जो एक मुद्दा के लिए बिहार ने पूरे भारत में इस चीज को चर्चा बन गया है कि जय कृष्णन को जो हत्या हुआ था, उस हत्यारे को फांसी के बाद उम्र सजा के बाद अब जो है कि एक बिल लाया गया जिसमें उनको रिहा किया जाए, आप कैसा देख रहे हैं? दरअसल इस बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, जो अपने आप को सुशासन का मुखिया कहते हैं, यह आम आवाम के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सत्ता में बने रहने के लिए, अपने कुर्सी के लिए या किसी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जो जी कृष्णया जी का जो हत्यारा है, जो उनके अपराधी हैं, जो बड़े ही बेरहमी से पीट पीट करके उनकी हत्या हुई थी, जो जेल के सलाखों में है, उन्हें फांसी की सजा मुकरर की गई थी, इस वर्तमान नीतीश जी की सरकार ने उनको जेल आजीवन कारावास के रूप में ताबदील किया और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने कानून में बदलाव ला कर, जो जेल अमेंडमेंट है उसमें बदलाव ला करके और उसकी राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहते हैं। इससे तमाम जो दलित समुदाय के लोग हैं, इनके चाल को समझते हैं, इनके चेहरा को पहचानते हैं, और ऐसा करके कृष्णया के हत्यारा है, जो अपराधी है, उसको उन्होंने कानून में बदलाव ला करके बाहर निकालने का जो उन्होंने प्लानिंग किया है, इससे पूरे दलित समुदाय के लोग क्षुब्ध हैं। और दलितों को मालूम है कि जिस लालू जी के सरकार में जो गुंडा राज था, माफियाओं को राज था, जिनके सरकार में 2.5 घंटे पर एक लोगों की मर्डर होती थी, 4 घंटे पर हमारी बेटी बहुओं का बलात्कार होता था, और 8 से 10 घंटे के बीच व्यापारी व्यवसायियों का फिरौती के लिए पहरन होता था। हद तो तब हो जाती थी जब स्कूल जाने के क्रम में किसी एक बच्चा का फिरौती के लिए पहरन कर लिया जाता था, और उसको पैसा का दबाव बनाने के लिए उन्हें गर्म सलाखों से दागता था, और जब उनके रोने और चिल्लाने की आवाज उनके माँ के फोन पर सुनाया जाता था, तो उस माँ की रूहें कांप जाती थी कि मेरे जिगर का टुकड़ा उसको एक खरोच तक नहीं आए, और कैसे लोग, उनके लोग किसी प्रकार से कर्ज महाजन लेकर के, वह जाकर के महाजन को लेकर के पैसा और उसको अपना बच्चा को वापस लाता था। इन जुर्म जाति से उभ करके और हमने जो नीतीश बाबू को चुना था ताकि बिहार में नीतीश लालू प्रसाद जी के सरकार में दर्जनों नरसंहार का अपराध हुआ था। यदि मैं अपराध की घटना को कहूँ, नरसंहार की मैं बात को जुड़ाऊ, तो रामपुर, चौरम, लोनी, नगमा, दमुआ, खगड़िया, बेलची, बारा, शंकर, बीघा, बाते, नारायणपुर, डोरिया, पसबीघा, सिनारी, मियाँपुर, मटौरा, सावन बीघा और दतमन, इतने जगहों पे हमारे हजारों लोगों की नरसंहार हुई, न्याय के आस में आंखें पथरा गई, लेकिन उन परिजनों को आज तक न्याय नहीं मिला। इन गुंडा राज से, इन माफिया राज से उब करके हमने विकल्प के तौर पे हमने नीतीश कुमार जी को सत्ता सौंपने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार भी और उससे भी साथ निकले, तक जा सकते हैं वो, चाहे संविधान के
विरुद्ध जाना हो, इस देश के आवाम के विरुद्ध जाना हो, वो सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और इसी का हिस्सा है कृष्णैया जी की हत्या, जो सारे दलित सारे न्याय प्रसाद लोग बात समझ रहे हैं। आने वाले 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में ये तमाम गरीब लोग, जो एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, या सर्वजन समाज के न्याय पसंद के लोग हैं, अब बिहार में एक ही विकल्प बचा है, वह बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट हम जिता करके लोग देंगे। और 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब उनकी मान सम्मान की रक्षा हो पाएगी, इज्जत आवृत सुरक्षा हो पाएगी, जो उनका अधिकार है वो अधिकार मिल पाएंगे, और बाबा साहब के सपनों का भारत बन पाएगा, ऐसा मेरा विचार है। सर, बिहार सरकार जो पहले छात्रवृत्ति देती थी अनुसूचित जाति छात्रों को या पिछड़े जाति के छात्रों को, वो क्रेडिट कार्ड बनाकर, छात्र क्रेडिट कार्ड बनाकर दिया, क्या एक कर्ज है या छात्रवृत्ति है, इस पर क्या कहना है? इस बात को हमारे सारे दलित समुदाय के नौजवान समझ रहे हैं। पहले इस सरकार ने शिक्षा का जो बाजारीकरण किया है, सरकारी विद्यालयों को चौपट करने का काम किया है। पढ़ाई नाम के चीज नहीं है, गरीब के बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जा रहा है, उन्हें शिक्षा की जरूरत ये सरकार नहीं समझ रही है। जो मजबूत लोग हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले जो गुरुजी हैं, उनके भी बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले शिक्षा के बाजारीकरण के तहत उनको जो है शिक्षा से रोकने का काम किया जा रहा है। और जो समय समय पे उनके जो वजीफा मिलते थे, वजीफा को इसलिए बंद किया गया ताकि जो भी उनके अंदर, जो गार्जियन के अंदर, बच्चों के अंदर जो पढ़ाई की जो सोचे हैं वह पूरा नहीं हो पाए। और ये जो क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, ताकि क्रेडिट कार्ड के तहत जो उनको पैसे दी जाएंगी, इतनी प्रक्रिया जटिल होगा कि वह उस प्रक्रिया को पूरा करने में उनकी टाइम वेस्ट हो जाएगी, और उससे थक हार करके वह क्रेडिट कार्ड के तहत पैसा लेने के से वो क्या हो जाएंगे, वो वंचित हो जाएंगे। इतनी प्रक्रिया जटिल होगा कि वह उस प्रक्रिया को पूरा करने में उनकी टाइम वेस्ट हो जाएगी, और उससे थक हार करके वह क्रेडिट कार्ड के तहत पैसा लेने के से वो क्या हो जाएंगे, वो वंचित हो जाएंगे। और फिर उसके लिए वो आदमी अपनी बेबसी पर, ये सरकार की जो ये जो खास करके जो परेशानियां हैं, जो ऑफिस में होती है पैसे लेने में जो परेशानियां हैं, उसको परेशानियों को अपना जो है एक बाती समझ करके, उसको एक नियति समझ करके उससे भी वंचित हो जाए, तो कुल मिलाकर वजीफा नहीं ले पाए, और इतनी प्रक्रिया है उसको क्रेडिट कार्ड के तहत पैसा निकालने पर तो उससे भी वंचित हो जाए। कुल मिलाकर गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का नीतीश कुमार का बहुत चलाके प्रयास चल रहा है। ये आम जनता, गरीब लोग, दलित समुदाय के लोग ये समझ रहे हैं, और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में हम जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम जा करके गांव-गांव तक इनके ये जो चेहरा है, इनके जो कुचित प्रयास है, इनको बता करके और इनको सत्ता से हम लोग दूर करने का काम करेंगे, ये मेरा विचार। देखिए, व्यास मुनि दास जी हैं जो कि बहुत बेबाकी से उन्होंने जवाब रखे और बहुत बेबाकी से इन्होंने बात कहे कि से किस तरह से यहाँ दलित छात्र को या जो दलित आईएएस अफसर थे उनको हत्या हो गया था, किस तरह से सरकार उनको छोड़ाने के काम कर रही है, और किस तरह से छात्रों के साथ ना इंसाफ। आप देख रहे थे BRTV, मैं अखिलेश कुमार आयरन जी के साथ।